हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन देने लगे हैं दोस्तों, उसका टाइटल है इंडियन रिएक्ट टू सैयद अली रजा अच्छा जी रिजवी साहब के ऊपर रिप्लाई टू द ख्वाब में यजीद। ओके दोस्तों, ये वो जो एक कारी साहब थे जिनको ख्वाब में यजीद आया था, उसके ऊपर एक कारी तो नहीं हम उसे कह सकते हैं, वैसे हम उसको बदबख्त कह सकते हैं या उसकी किस्मत या झूठ या वो कह सकते हैं यजीद की जैसे औलादे यजीद कहते हैं उस तरह हम कह सकते हैं कि ख्वाब के अंदर आया भी तो क्या आया, यजीद आया। ठीक है, वो बदबख्त आया, वो लानती इंसान या वो लानती किरदार आया जिसने हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया। तो दोस्तों उसके ऊपर एक इंडियन बॉय ने दिया हुआ है रिएक्शन। तो वैसे इनका चैनल है इंडियन बॉय रिएक्शन के नाम से इनका चैनल है, तो हम उन्हीं की रिएक्शन वीडियो के ऊपर देखें रिएक्शन और देखेंगे कि क्या क्या बातें इंडियन बॉय ने कहेंगे, इंडियन हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने किया है। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल बहुत मजे का था और ये रिएक्शन और रिएक्शन वीडियो का पार्ट मेरे ख्याल से 5 होगा। हम लोग जो रिएक्शन और रिएक्शन वीडियो पे देते हैं उसका पार्ट 5 होगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बस एक छोटी सी चीज दिखानी है दोस्तों, वो छोटी सी चीज दोस्तों ये है। तो दोस्तों आप क्या कर रहे हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल को जो लोगों ने जो मेरी वीडियो वॉच करे उसमें 60% वो लोग हैं या वो भाई हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और बाकी 30% वो हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। लाइव स्ट्रीम के अंदर दोस्तों बहुत मजा आता है, गेमें वगैरह खेली जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, बाकी जो दोस्तों रिएक्शन है वो बाद में होगा। दोस्तों जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। किसी ने मुझे वीडियो क्लिप भेजा था किसी बहुत बुजुर्ग का, तो वो कह रहे थे कि मैंने ख्वाब में यजीद को देखा। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी वाली मदद, क्या हाल है गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो फाइनली अलामा अली रजा रिजवी सर का रिप्लाई आया है, किसके लिए, उस मौलवी के लिए जिसको हम सब ने औलाद यजीद का नाम दिया था या फिर यजीदी मौलवी कह लो जिसके ख्वाब में यजीद आया था। अभी एक दो दिन पहले की बात है, हमने एक वीडियो देखा था, एक मौलवी को देखा था जिसने अपने ख्वाब में यजीद को देखा। अच्छा दोस्तों पहले वीडियो देख चुके हैं, मौलवी को अलामा अली रजा रिजवी सर ने रिप्लाई करा है। ओके, आई गेस मेरे ख्याल से पाकिस्तान में वो कोई मजलिस पढ़ रहे थे तो वहीं पे उन्होंने रिप्लाई करा उस मौलवी को, तो हम उस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम उस मौलवी के छोटे से क्लिप को देखते हैं। सबने देखा होगा लेकिन मुझे देखना एक और बार, क्योंकि भैया मुझे पता नहीं मजा आता वो क्लिप देख के, वो अजीब सी बातें करता है, यजीद को माफ कर दिया ये कर दिया। तो नहीं, देखते उसके बाद हम रिप्लाई देखेंगे। ठीक है, चलो अच्छी ऐसे दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो के अंदर हमें दो चीज़ें मिल गई। एक तो पहले उस वीडियो को हमें दूसरी एक्स्ट्रा वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और साथ जो उनका रिप्लाई है खतीब साहब का या मजलिस पढ़ने साहब जो मजलिस पढ़ रहे हैं अली रजा साहब का रिजवी साहब का सॉरी उनका जो रिप्लाई है वो भी हम इसी वीडियो में देख लेंगे। तो ये दोस्तों बोनस हो गया इस वीडियो का कि यजीद इब्ने मुआविया से मेरी मुलाकात होती है और यजीद से हमने कहा कि क्या आपने हजरत हुसैन को कत्ल किया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसने कहा नहीं। तो फिर हमने पूछा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया, तो यजीद ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे माफ किया और जन्नत तो दिया। एक और साहब ये दोस्तों ख्वाब सुन के ना मेरा एक तरह से पूरा एक दिमाग एक तरह से गुम हो गया कि अगर वो इस तरह को ख्वाब आया भी है, वैसे मुझे लगता नहीं दोस्तों कि आया होगा, झूठ भी हो सकता है। माफ कैसे अल्लाह ताला, अल्लाह माफ करने वाला है, बहुत बड़े अल्लाह की ज़ात है, लेकिन कुछ गलतियां या कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जिन पे माफ नहीं किया जाता। और उन्होंने नबी के नवासे हजरत अली के बेटे मैं कह सकता हूँ कि जन्नत के सरदार को शहीद किया दोस्तों, जन्नत के सरदार को जिसने जन्नत के जवानों के सरदार को शहीद किया। तो जिसने जन्नत के जवानों के सरदार को शहीद किया उसको अल्लाह माफ कैसे कर सकते दोस्तों। बाकी हम यहाँ पे तो जाकिर हैं उनका जो क्या कहते हैं हमारे शिया भाई के जाकिर हैं रिजवी साहब उनका नाम है अली रिजवी, उनका दोस्तों आगे रिप्लाई हम देखते हैं कि उस रिप्लाई में वो क्या कह रहे हैं। किसी ने मुझे वीडियो क्लिप भेजा था किसी बहुत बुजुर्ग का, तो वो कह रहे थे कि मैंने ख्वाब में यजीद को देखा। आपने अगर सुन लिया मेरा ये जुमला तो दोबारा सुन लीजिएगा।
तो वो पेश कर रहे थे, मुझे जो वीडियो क्लिप मेरे फोन में होगा अभी भी, पेश कर रहे थे कि भाई नहीं, मैंने ख्वाब में यजीद को देखा। आपसे सवाल करूं, आप में से कभी किसी ने यजीद को ख्वाब में देखा? नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई आप जब भाई की बात करें, चाहने वाले देखते हैं। अच्छा हाँ, यही है ख्वाब के अंदर, जो लोग जिसको चाहते हैं वही आता है। जवाब अच्छा था भाई का, नजर आएंगे इंसान तो ना वही नजर आता, पता नहीं इन्हें यजीद ही क्यों नजर आता। चाहते वो जी, तो इसलिए सलामत रहे, आप सलामत रहे। तो अब वो बहुत बुजुर्ग थे, मैं नाम नहीं लेता, फिरका नहीं बताता। मैंने ख्वाब में यजीद को देखा। ये अच्छी बात है। मैंने यजीद से पूछा, अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया? कहा अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। तो कहा आइंदा से अब कोई लानत ना भेजे क्योंकि मैंने ख्वाब देख लिया कि अल्लाह ने यजीद को माफ कर दिया। भाई जब इतना बड़ा गुनाह माफ हो सकता है कि शिया सुन्नी तमाम किताबों में है, हसन हुसैन जवानान ने जन्नत के सरदार है, बेशक जवानान ने जन्नत के सरदारों का कातिल माफ हो सकता है, तो मैं एक हकीर फकीर यार नाचीज सा सैयद अगर एक छोटी सी लानत यजीद पे कर दो तो मेरा गुनाह क्यों नहीं माफ हो सकता। हमारा अकीदा यह है कि जितने भी हुसैन अलैहि सलाम के दुश्मन हैं वो किसी भी दौर के हो, किसी भी दौर के हो, चाहे उस दौर के हो चाहे इस दौर के। तो कुछ लोगों ने इमाम अलैहि सलाम से कहा, मौला जो नस्ल में उनका क्या कसूर, मारा बाप दादा ने था बदला उनकी नस्लों से, मारा शिमर ने बदला उनकी नस्ल, शिमर की नस्ल से बदला, मरवान ने उसकी नस्ल से बदला, वलीद ने उसकी नस्ल से बदला, उमर साद ने उसकी नस्ल से बदला। अगर पहुंच रहे हो किस किस का नाम लो, सिनान इब्ने अनस ने मारा उसकी नस्ल से बदला, खूनी ने मारा उसकी नस्ल से बदला। मौला ये नस्ल से बदला बनता नहीं है, मारा अजदाद ने नस्लों से बदला क्यों? तो इमाम ने फरमाया क्योंकि वो अपने अजदाद के किरदार पे राजी है। ये चीज, ये चीज, ये चीज दोस्तों, अगर आप राजी नहीं है तो जिस तरह के नस्लों से इसलिए बदला क्योंकि राजी जो है वो मानते हैं। अगर कोई राजी ना हो तो कहे मैं बरी जिम्मा हूँ, बेशक ऐसा ही है, कमाल हो गया। खुल के कहते हैं इमाम हुसैन अलैहि सलाम के कातिलों पे लानत हो। बहुत से लोग कहते नहीं खबरदार कातिलों पे लानत ना करना, क्यों यजीद पे लानत ना करना, क्यों? का इमाम हुसैन बहुत सखी हैं, करीम हैं, ऐसा ना हो कि वो यजीद को माफ कर दे फिर तुम कहां खड़े होगे। तो मैं अक्सर जवाब में कहता हूं इमाम हुसैन जितने भी करीम हो अल्लाह से ज्यादा करीम नहीं है। अगर अल्लाह ने शैतान को माफ कर दिया, मुहर्रम का महीना, हर महीने में कोई ना कोई विलादत है, हत्ता सफर को, सात सफर को विलादत है, हम मनाते नहीं है और बात है, विलादत है। वाहिद महीना जिसमें कोई विलादत नहीं वो है मुहर्रम का महीना, क्यों? इसमें इमाम हुसैन की शहादत है। क्या बात, हर महीने में कोई ना कोई शहादत है, हत्ता रजब में शहादत, माह रमजान में शहादत, जिलहिज में शहादत, नहीं है तो वाहिद महीना शाबान। अच्छा वाह यार, जिसमें कोई शहादत नहीं है क्योंकि वहां मौला हुसैन की विलादत है। अल्लाह पैगाम ये दे रहा है, हुसैन जहां आपकी खुशी वहां कोई गम नहीं, जहां आपका गम वहां कोई खुशी नहीं। छठे इमाम से रिवायत है, मौला ने फरमाया हर सरजमीन नाज करती थी, आपकी जबान में समझा दूं, कोई जमीन कहती थी मुझ में चांदी है, दूसरी ने कहा रुक जा मुझ में सोना है, किसी ने कहा मुझ में हीरा। एक मर्तबा मक्के की सरजमीन ने सर उठाकर रुक जाओ मुझ में अल्लाह का हरम का, सारी सरजमीन ने खामोश रही। एक दिन 61 हिजरी को करबला ने कहा अब कोई नाज ना करे, मुझ में हुसैन है। वाह यार, इस्लाम में कुछ चीजें हैं ताहिर और कुछ है मुताहिर। तो सो ये पढ़ रखा है वो पहुंच गए, बड़ा क्या कहते हैं कमाल का जवाब है और समझा बड़े अच्छे तरीके से रही है कि समझ में आ रहा है।
आगे दोस्तों अब ये कोई चीज बताने लगे हैं, उससे पहले मैंने आपको पीछे जो वीडियो है उसका मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी तरह से जा रहा है। आगे दोस्तों अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। यानी पाक मुताहिर जो पाक करने वाले। अच्छा अच्छा दूध पाक है, ताहिर है, मुताहिर नहीं। अभी आप कोई मुझे जूस दे, जूस ताहिर है मुताहिर नहीं, लेकिन पानी ताहिर भी है मुताहिर भी है। मजमे की तवज्जो हो, पानी ताहिर भी मुताहिर भी। पानी ना हो तो आपको अगर वुजू करना हो करेंगे मट्टी पे। ओ, मिट्टी से। इस्लाम में पानी पीने की इजाजत है, मट्टी खाने की नहीं। मजमा पहुंच गया। हत्ता अंबिया की कब्र की मट्टी खाने की इजाजत नहीं। हत्ता अइम्मा की कब्र की मट्टी खाने की इजाजत नहीं। बेशक अल्लाह के हरम मक्के की मट्टी खाने की इजाजत नहीं, मदीने की मट्टी खाने की इजाजत नहीं, नजफ की मट्टी खाने की इजाजत नहीं, लेकिन करबला की मट्टी मट्टी नहीं है, खाके शिफा। तो यस, हाँ तो दोस्तों यहाँ पे रिप्लाई तो बहुत अच्छा था। रिप्लाई इसको कहते हैं जबरदस्त रिप्लाई बाय अलामा अली रजा रिजवी सर। सबसे पहले तो ये जो वीडियो है इसको एडिट करा है सैयद अली रजा रिजवी ने, अलामा साहब नहीं, अलामा साहब अलग है, जिन्होंने रिप्लाई करा वो अलग है। इस वीडियो का जो एडिटर है उसका भी नाम सैयद अली रजा रिजवी है, तो उसके चैनल का जो लिंक है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज जाके सपोर्ट कर देना भाई को, बिकॉज उसी ने इस वीडियो को एडिट करा है। अब हम बात करते हैं रिप्लाई को लेकर जो कि अलामा साहब ने करा है उस मौलवी को जिसके ख्वाब में यजीद आया था। उस मौलवी के ख्वाब में सबको समझ गया होगा, वो वीडियो हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। तो दोस्तों बाकी सारी बातें भाई की जो है वो वीडियो के मुतालिक है, आपने अगर पूरी वीडियो इनकी देखनी होगी तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां जाके इनकी वीडियो का रिप्लाई देख लें। और साथ अली रजा जो थे जिन्होंने ये वीडियो एडिट किया मैं उनका लिंक भी दे दूंगा, तो आप वो जाके इनकी ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अब हम वीडियो से बाहर आ जाते हैं क्योंकि वीडियो के अंदर उनकी सारी जो मैंने रिप्लाई, मेरा जो मेन था, मेरा मेन पर्पज था वो वीडियो के अंदर यही था कि मैं उनका रिप्लाई देखूँ, और साथ जो रिप्लाई के अंदर जो रिएक्शन है हमारे इंडियन भाई का उसका उनका रिएक्शन देखूं। दोस्तों मैंने जब वो रिएक्शन देखा ना दोस्तों, मैं कहता हूँ ये मैंने अभी वीडियो देखी ना दोस्तों, मेरा दिमाग एक तरह से ना चकरा गया था जब मैंने पहली चीज सुनी कि ख्वाब में यजीद आया। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं ये जो जाकिर साहब थे इन्होंने इतनी कमाल की दलील और एग्जाम्पल, दलील कह सकते हैं अगर आपको दलील नहीं पता, दलील कह सकते हैं एक तरह से एग्जाम्पल कह सकते हैं, ठीक है अगर आपको नहीं समझ आ रही, तो दलील इतनी कमाल की दी है मैं कहता हूँ कि एक एक वाकया या एक एक पहलू को उन्होंने इस बात को पूरा कर दिया कि लानत ना दो यजीद पे। तो दोस्तों यजीद पे लानत तो बहुत छोटी है, मैं ये कहता हूँ कि उस पर लानत तो बहुत कम है, उसको आप जितना भी कहें ना वो कम है। मेरी हर वीडियो की तरह मैं कहता हूँ उसके लिए कोई लफ्ज नहीं बना, कोई ऐसी गाली नहीं बनी। गाली उसे कहते ना दोस्तों जो क्या कहते हैं जिसके अंदर आप किसी की बुराई कर रहे हैं, ठीक है गाली की डेफिनेशन ये है। तो दोस्तों ऐसा कोई लफ्ज नहीं बना जिसके लिए हम यजीद को बुला सके, लानत दोस्तों बहुत कम है। लानत से भी कोई बड़ा वर्ड हो तो यजीद और यजीद के साथ जो थे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन को और हजरत इमाम हुसैन के खानदान वालों को जुल्म करके शहीद किया, उनके लिए दोस्तों वो लफ्ज इस्तेमाल करना है। तो बाकी दोस्तों जो अबाऊ अजदाद का इन्होंने पीछे कह दिया कि हमारा जो उनकी अगली नस्लें उनका कहते हैं, दोस्तों अगर वो अपने अबाऊ अजदाद को गलत साबित कहें, गलत कहें तो वो भी सही है, ठीक है उन्होंने ये ऐसे कहा। लेकिन दोस्तों बाकी बातें दोस्तों जो हैं थोड़ी बहुत आप लोग समझ रहे होंगे, तो वो बातें भी उन्होंने बीच में उन्होंने भी क्या कहते हैं डाल रखा, मैं भी क्या कहते हैं थोड़ी बहुत बातों को अंदर कम ही करूंगा। लेकिन दोस्तों जवाब जो था जाकिर साहब का, रिजवी साहब का, बहुत ही कमाल, जिसे कहते हैं ना कमाल से भी ऊपर का जो क्या कहते हैं उन्होंने दे दिया ना जवाब, बहुत अच्छा जवाब था। और दोस्तों यजीद कभी किसी के ख्वाब में नहीं आता, जो उसको सोचता है, जो उसको सही कहता है उसी के ख्वाब में आता होगा। तो दोस्तों हमारे ख्वाब में तो कभी यजीद नहीं आया, हम लोग के तो ख्वाब इतने कम है कि हम लोग के ख्वाब में कभी क्या कहते हैं मौला अब्बास आ जाए या फिर हजरत अली, हजरत इमाम हुसैन, नबी पाक आ जाए तो हम लोग की जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। लेकिन हमारे अभी इतने काम ही नहीं है ऐसे कि हम लोग क्या कहते हैं
उनको अपने ख्वाब में लाने की तवक्को करें। हालांकि वो जो कारी साहब थे, जो मौलवी साहब थे, जिन्होंने ख्वाब में यजीद को देखा, उनकी दाढ़ी मुबारक और जिस तरह उनका हुलिया था, वो काफ़ी ज़्यादा इलम इल्मो दानिश के लगते हैं। मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन देखने से ये लगा, थोड़ा सा क्लिप मैंने देखा, 2-3 मिनट 30 सेकंड का क्लिप होगा वो मैंने देखा, तो मैंने उसके बाद देखा कि हाँ यार काफ़ी इलम लगता है। लेकिन ऐसी बात की तवक्को कि बस दोस्तों अल्लाह अकल दे। और दूसरी बात ये कि माफ़ कर दें हसने हज़रत इमाम हुसैन, माफ़ कर देंगे उसको क़यामत के दिन। नहीं दोस्तों, मेरे ख्याल से अपने ऊपर अगर जुल्म हज़रत इमाम हुसैन पे हुआ तो अपनी ज़ात का जुल्म वो माफ़ कर सकते, लेकिन अपने अहले खाना पे किया हुआ जुल्म वो माफ़ नहीं कर सकेंगे। अल्लाह माफ़ करने वाला, लेकिन अल्लाह से जितना उन्होंने कहा शैतान अगर अल्लाह माफ़ कर दे तो फिर इंसान को हर गुनाह पे शैतान भड़काता है, तो अल्लाह ने अगर शैतान ही माफ़ कर दिया तो इंसान सारे जन्नत में जाएंगे। ये दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो मुझे वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छी लगी। अगर दोस्तों आपको कोई भी चीज़ वीडियो के अंदर जिसे कहते हैं ना बुरी लगी हो, या सीधी सी बात है दोस्तों, सीधा मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं वो आके बोलेंगे भी और बात भी करेंगे। दोस्तों अगर किसी को वीडियो में कोई भी चीज़ बुरी लगी हो तो कमेंट करके दोस्तों इसलाह ज़रूर करें, मेरी जो सलाह। लेकिन दोस्तों मेरे वीडियो को देखते हुए जो बातें वीडियो में थी उसके मुतल्लिक मैंने सारी बातें करके ना आपको आगे बताया कि हाँ ये वीडियो थी, और वीडियो के अंदर ये बयान हुआ, वो वीडियो के अंदर अच्छा बयान हुआ जिसके मानने में आता है। तो दोस्तों मुझे तो वो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नहीं है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको कहा था कि 70% और 30% का बीच में गैप है हमारी वीडियो के सब्सक्रिप्शन के अंदर। जो लोग देखते हैं वो 30% बस वीडियो देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया था, और बाकी वो भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो देखना। तो दोस्तों उनसे दरखास्त है जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आने के थोड़ा वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो वो जरूर कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं दोस्तों किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।